जान लेना और देना आपके हाथ में है, पर प्यार की ताकत को खत्म करने वाला ना आज तक धरती पर पैदा हुआ है ना कभी आसमान से टपका है। ये सैंडी कहाँ गया? अब तक सो रहा है क्या? रात से ही घर में नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है। यार मैं बोल रहा हूँ ना, अरे ये देखो सैंडी आ गया, बोल देखो सैंडी आ गया। ए सैंडी इतनी देर क्यों लगा दी? अरे वाह गाड़ी भी आ गई, चलो चलो कम फास्ट। गॉड ओ मिनिस्टर तो तू ही शादी रचा रहा है ना? मैं तो ये फोटो कैसे? अरे वो छोड़ो, ये देखो। और वो अपने पीछे वाले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, फोटो एग्जीबिशन रख रहे हैं क्या? सोच रहे हैं कि किसका पोस्टर बनाया जाए, राइट? अचानक आप लोग मेरा पोस्टर क्यों छपवाना चाहते हैं? रंडी, अच्छा ये बताओ कि कौन सी लड़की अच्छी लगी तुम्हें? अच्छी? एक को अच्छी कहूंगा ना तो दूसरी उससे ज्यादा नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं ना किसी को अच्छा कहूंगा और ना बुरा। अच्छी लड़की मुश्किल से मिलती है, तुम्हें किसी एक का ही पल्लू पकड़ना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ पाएगा गोपी? देखो बेटा, अगले महीने तुम अमेरिका जाने वाले हो, वहाँ तुम जॉब करोगे, कह दो। 5 साल के बाद आओगे तुम, तब तक तुम्हारी शादी हो जाती तो। सही कहा, गुड आइडिया, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो बता, हम जाकर उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो ये आइडिया था एग्जीबिशन का। ये सारी लड़कियाँ मेरी दोस्त हैं, ना कोई लवर है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। क्या कहा? तो किसी से प्यार नहीं करता? अरे तो कैसे होगी तेरी शादी? क्यों, शादी के लिए वीजा लगता है क्या? आप लोग जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? आप लोग जिस लड़की को चुनेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? लव मैरिज छोड़कर तो अरेंज मैरिज करेगा? हाँ वसु ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो गोलमाल है। सर ये देख, हर वक्त किसी क्लब और पार्टी में रहता है और कहता है कि नो गर्लफ्रेंड। मैं ये सब नहीं मान सकता। अरे प्रॉमिस डैडी, अब मैं जाता हूँ तो जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, है पर मैंने किसी को चुना नहीं क्योंकि मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो आप लोगों को ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। कौन सी सदी में जी रहा है यार? तुझे पता है 30 साल पहले तेरे डैडी और मैं प्यार में पागल होकर रफू चक्कर हो गए थे, और तू है कि फर्स्ट जनरेशन में रहकर भी अरेंज मैरिज चाहता है। अरेंज मैरिज? क्यों फर्स्ट जनरेशन में? अरेंज मैरिज कोई जुर्म है क्या? लेकिन क्यों बेटे, जिंदगी भर हमें धिक्कारते रहोगे। वसु तुम्हें याद है इसके लास्ट बर्थडे पे हमने इसे एक शर्ट गिफ्ट किया था, फेंक दिया था शर्ट सीधे मेरे मुंह पे। अगर ऐसे सरप्राइज गिफ्ट को तुम पसंद नहीं कर सकते तो लाइफ टाइम गिफ्ट को कैसे पसंद करोगे? आप लोग जो कह रहे हैं सही है, पर आप लोगों को फैशन के बारे में और ट्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता। और जहाँ तक शर्ट की बात है, उसे एक्सचेंज करवा सकता हूँ या फेंक सकता हूँ, लेकिन लाइफ पार्टनर की बात अलग है। यहाँ चॉइस बहुत जरूरी है, रॉन्ग चॉइस लेकर जिंदगी भर टेंशन में रहने से अच्छा है कि आप लोग मेरा काम कर दें। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। कौन हो तुम और यहाँ क्यों रुके हो? हमारे बॉस राहु काल तक कार के बाहर नहीं आएंगे। ओहो, और अब राहु काल खत्म। अरे कौन हो तुम? ओ दादी माँ, अभी तक आप जिंदा हो? क्या मतलब? ये बताओ आपके जीवन रेखा पर डॉक्टर की क्या राय है? अब आपका आखिरी टाइम नजदीक आ रहा है तो आपकी इच्छा होगी अपने पोते की शादी देखना, राइट? ओ सर जी, क्या बात कही है आपने। एक्सपीरियंस छोटे, एक्सपीरियंस। आई नो दिस ओल्ड पीपल साइकोलॉजी। उनके फेस पे ही मैंने इमरजेंसी का केस देखा, इनके पोते की शादी और इनका टपकना एक ही दिन होगा, ये मुझे पता है। ए छिछोरे जबान संभाल के। माता जी तुम मुझे गाली नहीं दे सकती। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अंदाजा लगाइए, 1 महीने में जाएंगी, 2 महीने में जाएंगी या पूरा साल लगेगा आपको, लेकिन मेरे सामने फालतू की बातें मत करना। That is दिलीप राजा। अरे कौन है ये सरफिरा? मशहूर मैरिज ब्रोकर दिलीप राजा। तुम घबराओ मत, ये सब बंद कीजिए आप। ये क्या बकवास चल रहा है? ये दिखाने आप समझ क्या मैं? इसीलिए मैं कभी भी फोटोज माँ बाप को नहीं दिखाना चाहता, सीधे दूल्हे को ही दिखाना चाहता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? 1 घंटे में शादी करोगे तो डिस्कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे इन पर नाज है।
कनेक्शन का नाम सुनते ही डिसकनेक्शन की बात कही, और आधे घंटे में मेरा भाई आता ही होगा, सेपरेशन एक्सपर्ट। मेरे क्लाइंट्स को 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपके प्राकृतिक तत्व के आइडियाज पर मैं प्रभावित हूँ। वेरी गुड, समझदार हो। वायु, जल, अग्नि, भूमि, क्या चॉइस आप है? नहीं बताओगे क्या? अरे मैं क्यों बताऊँ, क्या बके जा रहे हो? इनमें से कौन से तत्व से आपका निधन होगा ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। मेरा निधन, ये क्या बात कर रहे हो यार, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, आई एम स्टिल बैचलर। अच्छा, यानी कि आपका कत्ल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सन, सी यू देन। ओके बाय। हेलो, हाँ अभी पहुंचता हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया हूँ, अभी पहुंचता हूँ। माँ ओके, जरा बैठिए, कुछ बात क्या है बेटा, लेट हो रहा है। एक दिन लेट हो गए तो क्या हो जाएगा, आइए बैठिए। चलो चलो, जो कहना है जल्दी कहो। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, प्लीज रिलैक्स। आई विल जस्ट कॉल यू बैक। ये सब क्या है मॉम, ऐसे लड़की ढूंढोगे आप? हम लोग इंटरनेट पर जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं माँ, इंटरनेट पर चैटिंग करने से हमसफर नहीं मिलता है, ये सही नहीं है। हमें बहुत सोच समझ कर शादी का फैसला लेना होगा, ये जीवन हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही मरना। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है शादी। इस चीज को, इस अनुभव को मैं मिस नहीं करना चाहता, प्लीज। गोपी, देखा तुमने सैंडी ने क्या कहा, जो इज्जत और गौरव हम अपने माता पिता को नहीं दे पाए, वो इज्जत आज सैंडी ने हमें दी है। ए, तुम लोगों के माँ बाप ने लव मैरिज की थी ना, और तुम लोगों की अरेंज्ड। अरेंज्ड क्या, अरेंज्ड? फिर तुम्हारे पेरेंट्स के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे, क्या वो पूरा दिन लड़ते ही रहते हैं, क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? हाँ बोलो। अरे हमें देखकर समझ नहीं आता कि वो लोग कितने खुश रहते होंगे। वो लोग खुश हैं। Exactly। मुझे भी देखकर यही लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज सक्सेसफुल है। अरे तुम लोग तो जानते हो मेरी दीदी ने भी लव मैरिज की थी, इसीलिए मेरे दिल में तुम लोगों से ज्यादा लव मैरिज के लिए इज्जत है। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, साथ जीने वाले साथ रहते हैं, नाखुश लोग अलग हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि शादी किस टाइप की है, प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो प्यार की गहराई को समझते नहीं है। बस मुझे एक बार प्यार होने दो, फिर देखना मेरा कमाल। दीदी, दीदी प्लीज यार, मजाक मत करो, मुझे फोटो देखने दो, क्या कर रही हो? दीदी रुको, ये क्या बचपना है? दीदी, अरे पकड़ के, दीदी, अरे यार बोला इसको, दीदी बोल, दीदी रुको, दीदी, मैं नहीं दूंगी, अब बहुत हुआ, दे दो ना, देखने दो ना उसे, अरे दीदी रुको, मुझे देखने दो, सैंडी। एक कंडीशन है, अगर तुम्हारे जीजाजी को प्रमोशन मिला तो तुझे मुंडन कराकर तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगी, ठीक है ना? मुझे सब कुछ मंजूर है, मुंडन भी करवा लूंगा, अब फोटो तो दिखाओ। क्या, एक फोटो के लिए तुम अपना मुंडन करवा लोगे? ओ माय गॉड, मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकती, ये लो देखो, अब देखो भी। देख लो। अगर मैंने फोटो नहीं देखी तो, क्या होगा? सिर्फ चेहरे की सुंदरता ही देख पाऊंगा और तो कुछ नहीं। आप लोगों ने लड़की सेलेक्ट की है तो सुंदर तो होगी। क्या बकवास है, फोटो नहीं देखनी है तुम्हें? बेटा बहुत हो गया, अब देख तो ले, शौक पर शौक देता जा रहा है तू, ले एक बार फोटो देख ले, देख ले। देखो बहुत हो गया, बहुत टेंशन दे दिया, कभी माँ की भी बात सुन लिया कर। दादी माँ, हाँ? हमारी परंपरा में बताइए दूल्हा दुल्हन को कब देखता है? दरअसल परंपरा के अनुसार मेरी दादी जी कहती थी शादी में ही पहली बार दूल्हा दुल्हन को देखता है। यही तो मेरा आइडिया है, मैं भी यही करूँगा। मेरा शक सही निकला है, ये एकदम पागल हो गया है। लव मैरिज से ज्यादा थ्रिल होगा इसमें, जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी शादी भी इस फोटो जैसी ही होनी चाहिए। क्या कहा तूने, मेरी दादी माँ की शादी जैसे?
तू 100 साल पहले की रीति की बात कर रहा है। समारोह 16 दिनों तक चलता था और उसमें शादी 5 दिनों की होती थी। दादी कहती थी बड़ी धूमधाम से होती थी शादी। बड़े भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, मासा मासी और सबके बच्चे भी आते थे शादी में। आह, क्या गर्व और शान से होती थी शादी। 5 दिनों की शादी? मामा, मुझे भी ऐसी शादी करनी है। अरे सैंडी, क्या कह रहे हो, 5 दिन? क्या रिश्तेदारों को रोक पाएंगे इतने दिन? अच्छा, तो आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? 1 दिन भी आने में परेशानी होगी और तो 5 दिन की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, अमेरिका में अंगूठी पहना कर चुम्मा देकर चर्च में शादी कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, जाने दे, तू जैसा कहेगा ना हम वैसा ही करेंगे। I love you mom। अरे दादी, अरे सैंडी, वो तो कैसे फंसा दिया। अरे घर ने दो उसे किस। अरे सैंडी रुको। तुम्हारा वीजा रेडी हो गया है, अब शादी के बाद उसे भी ले चलो। सच्ची? हाँ हाँ, डन। वो देखो, मॉम डैड भी आ गए। ए सैंडी। हाँ डैडी। ये क्या हो रहा है यार? क्या हुआ? लड़की भी फोटो नहीं देखना चाहती। तूने कहा कि तुझे फोटो नहीं देखना, तो हमने सोचा दुल्हन को तेरा फोटो दिखाया जाए। हाँ? तो क्या उसने फोटो देखा? लड़की को मेरी शक्ल पसंद नहीं आई क्या? बताओ ना, मैं जानता हूँ मैं दुनिया में सबसे हैंडसम लड़का नहीं हूँ। अरे नहीं, हमने उसे कहा कि तुम दुल्हन का फोटो नहीं देखना चाहते, तो उसने भी कहा मैं भी उसका फोटो नहीं देखूंगी। इसमें क्या? लाजवाब, सोने पे सुहागा, क्या बात है बेटा। हाँ। पता नहीं अब क्या क्या देखने मिलेगा। पहले तो लगता था कि यही पागल है, लेकिन वो लड़की भी बिल्कुल ऐसी निकली। आजकल के बच्चे और ऐसी सोच, ये कैसे? सही कहा, शादी में तो ऐसा ही होता है। देखो बेटी, लव मैरिज के जमाने में तुम्हारे बेटे ने अरेंज मैरिज को चुना है। न इसने उसकी फोटो देखी, न उसने देखी, फिर भी राजी हो गए, है ना? कितनी कमाल की बात। वसुंधरा दीदी, कहाँ है फोटो? जरा हमें भी दिखाओ, हम भी देखें। अरे वाह आशा, तो देखो, जब मेरे बेटे को ही जल्दी नहीं है, तुम लोगों को क्यों? हा? तुम लोग दुल्हन को शादी के वक्त ही देख लेना। तुम सही कह रही हो। तो ज्यादा थ्रिल है।